गणतंत्र दिवस को लेकर जिला राजौरी में जिला पुलिस राजौरी की तरफ से जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है ताकि किसी किस्म की कोई दुर्घटना ना हो। यह चेकिंग चौकी इंचार्ज सुखबीर सिंह की अगुवाई में की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। अभी जो नाका लगा हुआ है कल्लर चौक में, जहां हम दूसरी जगहों पर भी देख रहे हैं काफी पुलिस के नाके लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इन नाकों के बारे में, कितना फायदेमंद है या आम लोगों को बड़ा जोर लगे? सर, ऐसे है कि मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि इससे बड़े एक तो हमारी जो गणतंत्र दिवस आ रहा है इसके मद्देनज़र जो जहाँ पे नाके लगे हैं इसमें जो मिलिटेंसी का है जो हमारी सुरक्षा के कारण बहुत इसका लाभ है। दूसरा, जो आजकल जगह जगह पे चोरियां हो रही हैं, जगह जगह पे वो डाके पड़ रहे हैं, तो उसके लिहाज से अगर ऐसे नाके लगेंगे तो जो क्रिमिनल लोग हैं उनके ऊपर जो असर रहेगा और जो क्राइम है वो कम होगा जी। और क्या करने की ज़रूरत है पुलिस को कि इससे भी बेहतर काम जो है वो आगे हो सके और आम जनता को उस चीज़ का फ़ायदा हो सके? सर, अभी दिन के नाके तो ठीक ही हैं, दिन के समय तो इतना नहीं है, पर रात को अभी मैं SSP साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हो सके तो रात को नाके लगें ताकि जो रात को क्राइम हो रहा है, जगह जगह पे चोरियां हो रही हैं, कम से कम उसके ऊपर जो रोक लग सके। जी, हमने देखा कि जहाँ पे टीनेजर जो हैं वो काफ़ी गाड़ियाँ चलाते हैं और काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं, और क्या चीज़ करने की ज़रूरत है पुलिस को कि टीनेजर जो हैं वो गाड़ियाँ ना चलाएँ, विदाउट लाइसेंस कोई गाड़ी ना चलाएँ, हेलमेट को गाड़ी ना चलाएँ, कम से कम जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये रुक पाए? हाँ, इसके मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अभी नाका लगा है, जो आज चौकी अफसर साहब हैं जो बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, तो इन्होंने जैसे आज नाका लगाया है तो कम से कम एक बार सबको वार्निंग दी जाए कि जो टीनेजर हैं इनको जो बाइक है या गाड़ी है ये ना चलाएं, अगर फिर भी नहीं मानते तो सख्त से सख्त जो आजकल गवर्नमेंट ने रूल निकाल के रखे हुए हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई करें और इनके ऊपर चालान करें ताकि इसे टीनेजर के ऊपर डर पैदा हो और वो जो एक्सीडेंट दिन भर होते हैं वो एक्सीडेंट से बचा जा सके।